आज है संडे और संडे है तो काफी दिन हो गए गोलू बेटा को कहीं घुमाया नहीं है हम लोग। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं तो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना जानता हूँ और साथ में गोलू मैं भी भी जानता है। गोलू भी पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर मेरे लेता है अभी, मम्मी नहीं जानती है ना को बेटा। नहीं आता। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए झारसुगुड़ा उड़ीसा, झारसुगुड़ा जा रहे हैं। मम्मी का चेहरा तो देख बेटा, कितना खुश हो गई मम्मी। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी, ज्योति ज्योति जयपुरी, जयपुरी, आयुष आयुष जयपुरी, जयपुरी। आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। गोलू तेरा ये सॉल्व होने वाला है क्या? और कितना बचा है? अरे वाह, सॉल्व कर लिया बेटा तू इतनी जल्दी, शाबाश शाबाश गोलू शाबाश। और ये हैं हमारे संजय कुमार सर, चलें आज नाश्ते में है हमारे पास पोहा। और गोलू संजय सर को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके दिखा रहा है। अरे वाह, वेरी गुड। वैसे ये जो संजय साहब हैं मैथ्स के टीचर हैं, गणित के टीचर हैं। आपको आता है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना? रूबिक्स क्यूब मेरे को सेट करने अब तक आया ही नहीं। आपको भी नहीं मैंने आता? खुद कई बार ट्राई किए लेकिन इसको अभी देख के लग रहा है कि हाँ किया जा सकता मैं है, भी कर लूंगा। करके दिखाइएगा, अभी नहीं टाइम लगेगा, बाद में करके दिखाइएगा। थैंक यू बेटा। घर से लगभग हम लोग 40 किलोमीटर निकल चुके हैं, यहाँ से झारसुगुड़ा होगा लगभग 70 किलोमीटर। हम लोग ऑलमोस्ट अभी झारसुगुड़ा पहुँचने वाले हैं। पीछे बैठते हैं, मैं बहुत बोर लग रहा है मेरे को। इसी सड़क में मैं रायपुर बाइक में जाता हूँ, बाइक में अलग ही मजा आता है। मेरे को तो मजा आ रहा है। 11:15 बज गए, लगभग हम लोग 2.5 घंटे की राइड के बाद में, ड्राइव के बाद में पहुंच चुके हैं अभी हम लोग झारसुगुड़ा। और ये है यहाँ का संजीवनी हॉस्पिटल। यहाँ पे थोड़ा सा काम है ज्योति को, एक अपॉइंटमेंट है इनका एक डॉक्टर के साथ, पहले उनसे मिलते हैं और उसके बाद फिर आगे सोचेंगे कहाँ घूम। हॉस्पिटल का काम हो गया है हमारा, वहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह है, 1.5 घंटे का समय है। तब तक हम लोग यहाँ पे झारसुगुड़ा के भाई लोगों से मिल रहे हैं, हमारे ये सारे भाई लोग हैं झारसुगुड़ा के। ये जो हीरो का शोरूम है वो इनका है, हमारे गोलू भाई का। थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करेंगे, ठंडा पी रहे हैं, ज्योति गोलू बैठे हुए उधर वेटिंग एरिया में। ये है वो शोरूम, ये शायद 2006 में खुला था और जब खुला था तो उड़ीसा का सबसे बड़ा शोरूम था। बस काफ़ी अच्छे हैं हमारे गोलू भाई, अगली बार जब आऊँगा तो इनसे मिलते हुए जाना है। और अभी हम लोग जा रहे हैं शैलेश भाई के यहाँ पे, वहाँ पे जाके भोजन करते हैं। भूख भी लग रही है, भूख लगी है तुमको? प्रॉपर इंट्रोडक्शन भाई लोग का मैं करा ही नहीं पाया, भूल गया था। संजय सर से तो मिला चुका हूँ। ये हमारे शैलेश भाई, आप हैं हमारे गोलू भाई, इस शोरूम के ऑनर। ये है दिनेश भाई, जियो में काम करते हैं, रिलायंस जियो में, जिसकी वजह से हम लोग यूट्यूबर बन पाए हैं। जियो नहीं था तो यूट्यूबर बनने की बात तो दूर है, हम लोग देख भी नहीं पाते। थैंक यू भाई, दिनेश भाई, चलिए अब चलते हैं। गोलू अभी चाचू की कार में बैठूंगा बोल रहा है। ठीक है बेटा बैठो यार। हम लोग इसको जोर जोर से गाना नहीं बजाने दे रहे हैं ना, इसीलिए वो चाचू लोग के साथ बैठूंगा बोल रहा है। मस्ती करने। ना गोलू, ये कौन सा गेम है? जेंगा गेम। ये जो है शैलेश के भाई हैं, इनका नाम भी है गोलू, ये भी है गोलू। बच चुके हैं 4:00 और यहाँ पे लंच भी किया, बढ़िया बेहतरीन टेस्टी खाना बना था। और उसके बाद अब वापस जा रहे हैं हम लोग। और थैंक यू खाने के लिए। आप लोग भी आइए कभी, बार बार आइए। ये हैं शैलेश की मम्मी जी और ये हैं भाभी जी, शैलेश की मेरी भाभी जी। समझ गए होंगे सब। ठीक है चलो चलते। ये इनका नाम है यासा, संजय सर की पुत्री हैं। और आज है day 2, हम लोग सुंदरगढ़ में रुक गए थे, तो आप सभी को सुंदरगढ़ से सुप्रभात। अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ता वैसे बहुत टेस्टी है। नाश्ता बनाई है भाभी जी हमारी, वो कैमरे के सामने आने से शर्मा रही है, वो बोल रही है कि सबको बोल दो कि ज्योति बनाई है बोल के। मैंने ही बनाई हूं। तो भाभी जी आप कैमरे में तो नहीं आई, लेकिन नाश्ते के लिए थैंक यू वेरी मच, और कल रात के डिनर के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बेहतरीन पनीर का सब्जी बनाना ना, मस्त लगा। तेरे को कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लगा।
पनीर नहीं खाता है, कल पनीर खाया। हाँ बोलू तो आता गाना बंद करना बेटा। ये जो कार है होंडा सिटी, इस गाड़ी को मैंने ही पसंद किया था, जो डिसीजन था होंडा सिटी लेने का वो मेरा ही था ना सर। यस सर। और होंडा और होंडा सिटी में भी ऑटोमेटिक वर्जन, जो अपना सीवीटी वर्जन है, ये वर्जन लेने के लिए भी मैंने ही बोला था संजय सर को, और लेने के लिए भी हम दोनों ही गए थे रायपुर। तो कैसा है सर एक्सपीरियंस आपका? डिसीजन सही था ना हमारा? बेस्ट डिसीजन। ऑटोमेटिक गियर्स हैं इसमें, सीवीटी ट्रांसमिशन है, तो बहुत ही लग्जूरियस है ड्राइव करना एकदम। अगर आप 500-700 हज़ार किलोमीटर भी इसको ड्राइव करते हो तो उतना फटीग फील नहीं होता है, उतनी थकावट महसूस नहीं होती है। और पीछे बैठने में कैसा लग रहा है ज्योति? आराम, सो जाओ। फ्यूचर में जब भी मैं कोई कार लूँगा तो मेरा इरादा है कि मैं ऑटोमेटिक लूँ। और हम लोग अभी निकल चुके हैं सुंदरगढ़ से, अभी लगभग 9 बजे है। मजा आ रहा है, मेरे को तो वापस जाने का मन नहीं कर रहा। घूमते रहूं टाइप लग रहा है ना। तुम्हारा ये वाला सूट तो बहुत मस्त लग रहा है ज्योति, एकदम अच्छी दिख रही हो तुम तो। और हम लोग पहुंच गए घर। थैंक यू, वेलकम। ठीक है, मिलते हैं। बॉबी भाई कल शाम को ही पहुंचे हुए हैं, काफी लंबी यात्रा करके भूटान से, मतलब ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर की राइड करी होगी उन्होंने, और अकेले आए हैं सोलो। तो सबसे पहले चलते हैं उनसे मिलते हैं, काफ़ी वेट करवा दिया मैं उनको, मेरे को पता नहीं था कि वो आने वाले हैं, उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। ये है बॉबी भाई जो कल शाम से वेट कर रहे हैं हम लोग का। लंच हुआ? लंच नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट हो गया। कब निकला था वहाँ से? मैं सोमवार से निकला हूँ। और कितना दिन लग गया? मैं सोमवार से निकला कोलकाता में, करीब 3 दिन था। आज भी सोमवार है, सोमवार से सोमवार एक हफ्ता हो गया मेरा निकला हुआ घर से। चल आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से कम बहुत दिन। आप जब सिक्किम राइड में थे उससे पहले से मैं सोच रहा हूँ, मेरे दोस्तों को भी पता है कि मैं कब से प्लान बना रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग सिक्किम से लौट रहे थे तो जहाँ पे सिलीगुड़ी में जीतेन की एबजेट का हम लोग सर्विस करवा रहे थे, तो वहाँ पे हमारे बॉबी भाई आए हुए थे मिलने के लिए, और इन्होंने भूटान से वो प्रेयर फ्लैग्स लेके आए थे जो बाइक पे लगा हुआ है। अभी बज चुके हैं 1:21, और मैं भाई को लेके आया हूँ यहाँ पे ढाबा कि खाना खिलाऊंगा करके, लेकिन पता चला कि भाई ने ऑलरेडी 3 समोसे खा लिए हैं, तो इनको अभी भूख नहीं लगी है। मेरे को भूख लगी थी जब मैं घर से निकला था तो, लेकिन यहाँ पे आके बेहतरीन चाय पी लिए तो अब भूख भी मर चुकी है। चाय से वैसे ही भूख मर जाता है। और काम वाम तो कुछ है भी नहीं हम लोग को, तो अब बस ऐसे ढाबे में बैठे हुए हैं, लगभग आधे घंटे तो हो गए बैठे हुए। जैसे भूख लगेगी वैसे ऑर्डर आ जाएगा। अभी बैठेंगे यहाँ पे हम लोग 2-3 घंटे बैठेंगे, और क्योंकि बाग बाहर में अभी लोकल में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बाहर धूप है काफी ज्यादा, तो यहाँ ढाबे में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। भाई अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बता रहा है मेरे को, शुरू में तो बहुत वो कर रहा था, बहुत हिचक रहा था, संकोच कर रहा था, सर 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 बोल रहा था, नहीं। मतलब बहुत जतन कर रहा था। एडिट करूंगा तो ये डालना है कि नहीं डालना है? कौन सा? जो अभी हम लोग का बात किए? नहीं। गर्लफ्रेंड का बात किए? नहीं। वो भी नहीं डालना है? देखूंगा, मैं सोचूंगा। तो उसके बाद फिर अभी लगभग आधा 1 घंटा हुआ मेरे को इसको नॉर्मल करने में, नॉर्मल मतलब एक कनेक्शन बनाने में, क्योंकि भाई ना इतना संकोच कर रहा था, इतना लिहाज कर रहा था, इतनी दूर से आया 1200 किलोमीटर से और बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन अभी कूल है ना, अभी एकदम फर्स्ट क्लास हो, बिंदास है ना, बिंदास में एकदम बढ़िया थे, मतलब संकोच। काम करें क्या ये व्लॉग में एंड करूँ क्या, क्योंकि ये व्लॉग में मैं कल सुबह चालू किया हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको एंड कर देते हैं। एंड तो कर दे, तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया है, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतजार कीजिए, जल्दी आ जाएगा और अच्छा आएगा, इससे भी बहुत अच्छा अच्छा शॉर्ट देखने मिल जाएगा। तो गाइस टिल देन राइट सेफ, दिस इज चिंतामणि जयपुरिया एंड वीवी ब्लॉग साइनिंग ऑफ। जय हिंद जय भारत। अपना बता दिया वीवी ब्लॉग।
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई। टिल देन राइट सेफ। देखो मैं सामने आके बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो डाले ना आपको सबसे पहले देखने मिल जाए। और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। क्या नाम है आपके चैनल का, इंस्टाग्राम का लिंक? बीबी ब्लॉग्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीबी ब्लॉग्स है चैनल का नाम और इंस्टा आईडी भी सेम है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। और अच्छा अगर नहीं भी लगेगा तो अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि भाई ने जस्ट स्टार्ट किया है और धीरे धीरे ये और अच्छे व्लॉग्स लेके आएगा और अच्छे से काम करेगा, मेहनत करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो कर ही दीजिएगा, थोड़ा सा इसको मौका दीजिए साबित करने का। थैंक यू सो मच सर। तो अभी व्लॉग कर रहे हैं, व्लॉग करने में वो इजी लग रहा है कि नहीं? अभी तो एकदम बिंदास बात कर रहा है। हां अभी बिंदास हूं मैं, क्या बोला, खुलने की देरी है बस।